और मेरे भाइयों क्या हाल है। वेल, ये आपको देखने को मिलता है Redmi Note 11T 5G और इंडिया के अंदर ये सबसे पहला स्मार्टफोन है Redmi की Note 11 सीरीज का। और इस स्मार्टफोन को मैंने परचेज किया था 7 दिसंबर को और तब से लेकर के आज तक मैं इस डिवाइस को एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज कर रहा हूँ। लगभग एक वीक पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है इस डिवाइस को यूज करते हुए। तो अगर आप लोग भी इस डिवाइस को परचेज करने की सोच रहे हो या अपना 15,000 या 18,000 इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो में इस स्मार्टफोन का पूरा फुल रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग 15,000 या 18,000 इन्वेस्ट करोगे वो आपका बर्बाद ना हो। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। इस टाइप की वीडियो अगर आप लोगों को फ्यूचर में और चाहिए तो नीचे आप लोगों को लाकर का बटन देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ बेल आइकन को आप लोग ऑल पे प्रेस कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। वेल, सबसे पहले बात की जाए डिस्प्ले के बारे में तो इसमें आप लोगों को 6.6 इंच की फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलती है। साथ में आप लोगों को 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो भी देखने को मिलेगा। प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की जो प्रोटेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगी और 240 हर्ट्ज का जो टच सैंपलिंग रेट है वो आपको देखने को मिलता है। वेल, जितना मैंने इस डिवाइस को यूज किया, इस डिस्प्ले को यूज किया इंडोर और आउटडोर में, तो मुझे इंडोर के अंदर कोई भी दिक्कत डिस्प्ले के अंदर देखने को नहीं मिली। काफी ब्राइट डिस्प्ले जो है वो आपको इंडोर में देखने को मिलती है। वेल, इंडोर में जो कलर्स, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस है वो भी आपको काफी तगड़ी देखने को मिलती है, लेकिन आउटडोर में आपको डिस्प्ले के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। सबसे पहली दिक्कत आपको देखने को मिलेगी लो ब्राइटनेस की। वेल, आउटडोर में आपको बहुत ही कम जो ब्राइटनेस डिस्प्ले है वो देखने को मिलती है और साथ में चीप क्वालिटी की डिस्प्ले जो है इस बार Redmi ने Redmi Note 11T 5G के अंदर यूज की है। वेल, अगर आप लोग एक अच्छा मोबाइल फोन परचेज करने की सोच रहे हो, इसमें आप लोगों को डिस्प्ले अच्छी चाहिए, तो आप लोग Redmi Note 11T को बिल्कुल भी कंसीडर मत करना। वेल, बात की जाए डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो पूरा जो स्मार्टफोन है आप लोगों को प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, लेकिन साथ में जो मैटी फिनिश है वो आपको देखने को मिलेगी और इसके ऊपर स्क्रैचेस बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। साथ में जो ब्लैक कलर मैंने परचेस किया एक प्रीमियम सी लुक फील आपको प्रोवाइड करवाएगा और इन हैंड फील भी आपको काफी मजबूत इस मोबाइल फोन का देखने को मिलेगा एंड बिल्ड क्वालिटी भी काफी मजबूत आपको देखने को मिलती है। कोई भी हिंजेस या कहीं से भी मोबाइल फोन नहीं दब रहा है। वेल, मैंने इस डिवाइस को एक हफ्ता यूज किया, रफ एंड टफ, बिल्कुल भी जो स्क्रैचेस हैं मुझे देखने को नहीं मिले। इस बार Redmi ने डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया। वेल, देखने को फिर भी आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, लेकिन काफी मजबूत क्वालिटी का जो प्लास्टिक है वो आपको देखने को मिलता है। बात की जाए कैमरा के बारे में तो Redmi Note 11T 5G में आपको बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 50MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है और 8MP का अल्ट्रा वाइड। फ्रंट में आप लोगों को 16MP की जो सेल्फी है वो देखने को मिलेगी। फिर इसके जो कैमरा सैंपल है वो आपके साथ शेयर किए हैं, आप लोग देख लें किस तरीके का कैमरा आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोग कैमरा सेक्शन के रिगार्डिंग कमेंट कर देना। बात की जाए कैमरा सैंपल के बारे में तो ये जो सबसे पहला फोटो है इसके 50MP कैमरा से शूट किया गया है, कोई भी मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। नॉर्मल सा फोटो आपको देखने को मिलता है कि एक नॉर्मल कैमरा से फोटो शूट किया गया, 50MP का कोई भी नामो निशान आपको देखने को नहीं मिलता। बात करें अगले फोटो की, यही 50MP शूट किया गया था, लेकिन ये आपको देखने को मिलता है फोटो मोड के अंदर। यहां पर भी अगर आप लोग देखें तो कोई मेजर डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलता। ये फोटो इसकी पोर्ट्रेट मोड में लिया गया था और पोर्ट्रेट मोड में जो कलर्स हैं बहुत ही सैचुरेटेड आपको देखने को मिलेंगे और जो ब्लर है वो भी अच्छे तरीके से देखने को नहीं मिलता। लाइटनिंग का इशू भी आपको पोर्ट्रेट मोड के अंदर देखने को मिलेगा। ये फोटो इसकी नॉर्मल कैमरा से ली गई थी फोटो मोड से, तो यहां पर भी आपको कलर्स अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप लोग बैकग्राउंड देखें इनके कलर्स आपको फेडेड देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ये जो फोटो है इसके बैक कैमरा से शूट की गई थी, लेकिन यहां पर भी आप लोगों को जो ब्लरनेस है वो देखने को मिलेगी। अब बात करें अल्ट्रा वाइड की तो भाई अल्ट्रा वाइड के अंदर इसने हग दिया है, बहुत ही बेकार कैमरा आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। अब इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग एक 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वाला डिवाइस परचेज करने की सोच रहे हो तो Redmi Note 11T को बिल्कुल भी परचेज मत करना, क्योंकि इसमें आप लोगों को 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। आप लोगों को सिर्फ 1080p 30fps और 1080p 60fps का जो सपोर्ट है वो देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात की जाए Redmi Note 11T के फ्रंट कैमरा के कैमरा सैंपल के बारे में तो आप लोगों को ये जो फोटो देखने को मिलती है इसके फ्रंट कैमरा के फोटो मोड से शूट की गई है। वेल, आप लोगों को यहाँ पर कलर सैचुरेशन काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन जो व्हाइटनेस है, ब्यूटी है, फ्रंट कैमरा में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। बात करें अगले कैमरा सैंपल के बारे में तो ये आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है और लिटरली
पोर्ट्रेट मोड फ्रंट कैमरा में काफी तगड़ा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर एजेस देखें तो बिल्कुल एजेस टू एजेस जो ब्लर है वो आपको देखने को मिलेगा, और जो नेचुरल कलर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और जो कलर सैचुरेशन है वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। जितना मैंने इस डिवाइस को यूज किया मुझे बहुत ही बेकार कैमरा देखने को मिला। अब एक यूजर 18,000 रुपए या 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करेगा तो थोड़ा बहुत तो कैमरा वो अच्छा चाहेगा, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत ही बेकार कैमरा देखने को मिलता है। जितना मैंने इस डिवाइस को यूज किया मुझे कैमरा इसका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खैर अब बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो इसमें आप लोगों को मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 का जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलेगा, और काफी तगड़ा प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। आपके डे टू डे टास्क है काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा। इसी के साथ थोड़ी बहुत जो गेमिंग है वो भी आप लोग इसके साथ कर सकते हो। वेल BGMI की सेटिंग की बात करें तो इसमें आप लोगों को 40 FPS तक से जो गेम है वो आप लोग प्ले कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग कॉन्फिग लगाना चाहें तो 60 FPS आपको काफी आराम से देखने को मिल जाएंगे। पर परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छी इसके अंदर देखने को मिलेगी, कोई भी दिक्कत आपको परफॉर्मेंस के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात की जाए Redmi Note 11T 5G की बैटरी के बारे में, तो इसमें आप लोगों को 5000 mAh की जो बैटरी है वो देखने को मिलेगी, और उसी को चार्ज करने के लिए आपको इन द बॉक्स ही 33 वॉट का जो फास्ट चार्जर है वो देखने को मिलेगा। और 5000 mAh की बैटरी को 33 वॉट का जो फास्ट चार्जर है लगभग एक घंटे में पूरा का पूरा जो कंप्लीट है वो चार्ज कर देगा। लेकिन बैटरी के रिगार्डिंग मैं इतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अपडेट्स में आप लोगों की जो बैटरी है वो डिक्रीज इंक्रीज हो जाती है, उसका चार्जिंग टाइम इंक्रीज और थोड़ा चार्जिंग टाइम बढ़ भी सकता है। ये सब डिपेंड करता है आपके यूजर्स के ऊपर और एक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के ऊपर। दोस्तों बात की जाए UI एक्सपीरियंस के बारे में, तो Redmi Note 11T 5G में आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स ही MIUI 12.5 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और अभी तक कोई नया अपडेट देखने को नहीं मिला है। साथ में आप लोगों को नवंबर मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल चुका था, और जब मैंने इस मोबाइल फोन को बूट किया था फर्स्ट टाइम तो आपको यहां पर एक दो जो बूटवेयर एप्लीकेशन है वो देखने को मिल चुकी थी, जैसे कि मौज एप्लीकेशन, फेसबुक मैसेंजर, ये आप लोगों को देखने को मिले थे। वेल UI एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ही अच्छा स्मूथ UI आपको देखने को मिलेगा। वेल जब नया अपडेट आएगा उसके बाद आपको बग्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो अपडेट देखने को मिला है इसमें मुझे कोई भी बग देखने को नहीं मिला। दोस्तों आप लोगों को Redmi Note 11T 5G जो है MediaTek Dimensity 810 के साथ देखने को मिलता है। वेल एक 5G प्रोसेसर है और आप लोगों को इसमें ड्यूल 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। वह साथ में इसमें आप लोगों को 5G के साथ बैंड देखने को मिलते हैं। वह जब प्रॉपर तरीके से इंडिया में 5G आ जाएगा तो कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें आप लोगों को 5G के साथ बैंड है वो देखने को मिल जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सिंपल तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। वेल आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, हमें जल्दी से अपनी 1 लाख की जो फैमिली है वो कंप्लीट करनी है।